जब मैं 13-14 साल का हुआ तो मैं उस प्रिंटिंग के बारे में जानने लगा और मैं पिताजी के काम में थोड़ी थोड़ी हेल्प करने लगा। या फिर जयपुर में एक फेयर लगता था हटवाड़ा हर सैटरडे को, तो वहाँ पे हमारे पिताजी करीबन 35-40 मीटर कपड़ा पूरे वीक में प्रिंट करते थे और वो वहाँ पे ले जाके उसको सेल करते थे। मैं एक होटल में पार्ट टाइम जॉब करने लगा जब मैं स्टडी करता था कॉलेज में। बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और इसके बारे में मैं स्टडी करता था कि लोग ये चीज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है और कैसे लोग, नेचर से सारा इंस्पायर था और ज़्यादातर जैसे जो अपने आसपास में चीज़ें दिखती उससे वही डिज़ाइन होती थी हमारे। फूल पत्तियाँ जैसे गोभी है आती है अपने खाने की आती है, शेर है, दिस इज़ अ दाबू प्रिंटिंग प्रोसेस। वी मेक ए पेस्ट फ्रॉम लोकली अवेलेबल ब्लैक क्ले, स्पॉइल्ड वीट पाउडर, अकाशिया गम एंड लाइम स्टोन। सो दिस इज द मड पेस्ट ही पुटिंग विद द ब्लॉक्स ऑन द फैब्रिक एंड आफ्टर प्रिंटिंग टेक द फैब्रिक एंड गो टू आउटसाइड ऑफ द सनलाइट। आफ्टर द ड्राई वी कैन डीप इन द डाई like indigo or any natural dyes we can dip inside, and after we dry where we put the resist printing that is getting the white and other part is going to dye it color. मेरे पिताजी 2007 में एक्सपायर हुए थे। फिर उसके बाद में मैंने अपनी कंपनी बनाई उसके साथ मिलकर और फिर मैंने पूरा अपना इंटेंशन प्रिंटिंग लाइन में डाल दिया। के लोगों को वेजेस अच्छी नहीं मिल पाती, जो सारा जो प्रॉफिट होता है वो एक्सपोर्टर ले लेता है, तो मैंने कुछ उनके सैंपल्स लिए और ऑनलाइन वेबसाइट पे कर दिए। और जब मेरे पास उन डिज़ाइनों के ऑर्डर आते हैं तो मैं जिस कारीगर की वो डिज़ाइन है मैं उसी कारीगर को उसका ऑर्डर देता हूँ, ऑर्डर भी मिलता है और हम उसको 50% वेजेस ज़्यादा देते हैं, जो यहाँ के लोकल रेट है उससे 50% एक्स्ट्रा वेजेस देते हैं। मेरे बबरू टेक्सटाइल में तो यहाँ पे 60 फैमिली है लेकिन पूरे गांव में 250 फैमिली हैं जो सब छपाई का काम करते हैं। यहाँ पे लोग जो जनरेशन टू जनरेशन करते आ रहे हैं वो उससे हट के नहीं करना चाहते। आंगनी रहे जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज है ऑल्सो वो पूरी डेवलप हो गई वहाँ पे, वो पैसे सस्ता करके पैसा कमाने में लग गए। यहाँ के लोगों ने अपने पुराने जो पुश्तैनी काम है उसको छोड़ा नहीं।